दोस्तों, हमारे धरती पर जानवरों की असंख्य प्रजाति विलुप्त हो चुकी है और इसलिए हमारे वैज्ञानिक बचे हुए लुप्त जानवरों को वापस लाने की दिशा में काम कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आज की हमारी वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे विलुप्त हो चुके जानवरों के बारे में जिन जानवरों के सामने सांप, एनाकोंडा और शार्क जैसे जानवर भी सिर्फ एक चींटी के समान आपको प्रतीत होंगे। जी हाँ, यह वीडियो तो बच्चों के लिए बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि ये जानवर इतने खौफनाक है कि इन्हें देखने के बाद आपकी रूह तक कांप जाएगी और आप भगवान से यही निवेदन करोगे कि आपका सामना सपने में भी इन जानवरों से ना हो। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं 5 एक्सटिंक्ट डेडलीस्ट एनिमल्स के बारे में जिनकी प्रजाति जलवायु परिवर्तन की वजह से लुप्त हो चुकी है। तो वीडियो स्टार्ट करने से आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे फ्यूरियस टाइगर A1 चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटा दबा दीजिए। मेगलोडॉन। दोस्तों, हमारी इस लिस्ट में 5वें स्थान पर है मेगलोडॉन। अब तक का सबसे खतरनाक समुद्री जीव माना जाता है यह मेगलोडॉन। तो थी शार्क की प्रजाति, लेकिन ये आज की शार्क से तुलना में 5 से 6 गुना बड़ी होती थी। ऐसा माना जाता है 2.5 करोड़ साल पहले ये विलुप्त हो चुके शार्क अपने समय की सबसे बड़ी शीर्ष शिकारी और मांसाहारी मछली थी। मेगलोडॉन की अधिकतम लंबाई 50 से 60 फीट तक थी। आपको बता दें कि मेगलोडॉन की बायोटिक फोर्स लगभग 40,000 पाउंड्स और साथ ही इसके जबड़े में 250 से भी ज़्यादा 7 इंच लंबे और नोकीले दांत थे। समुद्र में रहने वाली व्हेल या किसी बड़े जहाज के भी 2 टुकड़े करने की क्षमता रखते हैं। ये भोजन के लिए ज़्यादातर शार्क या बड़े व्हेल का ही शिकार करती थी। अभी भी काफ़ी लोगों का यही मानना है कि ये शार्क समुद्र की सबसे गहराई वाली जगह मरीना ट्रेंच में जिंदा हो सकती है, लेकिन अब तक विज्ञान को अभी तक इसका जिंदा रहने का कोई सबूत नहीं मिला है। स्माइलोडॉन। दोस्तों, हमारे लिस्ट में 4थे स्थान पर मौजूद ये टाइगर जैसा दिखने वाला जानवर स्माइलोडॉन, ये उत्तर और दक्षिण अमेरिका में पाए जाते थे। यह अब तक का देखा गया सबसे बड़ा टाइगर है और इनका दांत भी आज की टाइगर से कई गुना बड़ा है। जब इनका मुंह बंद भी होता था तब भी इनका दांत बाहर की तरफ निकला हुआ रहता था, इसलिए स्माइलोडॉन्स को सेबार टूथ के नाम से भी जाना जाता है। आज से लेकर 25 लाख साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक पाए जाने वाली ये टाइगर्स की प्रजाति खतरनाक हुआ करती थी। ये बड़े मैमल और अपने से विशाल जानवरों का शिकार बड़ी आसानी से कर लेते थे। इस प्रजाति का अधिकतम वजन 400 केजी तक होता था। साथ ही अपने रास्ते में आने वाले हर जानवर का शिकार करते थे। सिंपल टाइगर्स जंगल में अकेले रहना पसंद करते हैं, लेकिन ये स्माइलोडॉन्स झुंड में रहते थे। हालांकि इनके विलुप्त होने के कई कारण बताए गए हैं, जैसे कि इन्हें पर्याप्त भोजन न मिलना या फिर समय के साथ इनका टकराव सीधा मनुष्यों के साथ होना आदि जैसे कारण। दोस्तों, अब हम चलते हैं हार्स्ट ईगल पर। दोस्तों, हमारे लिस्ट में 3रे स्थान पर नाम आता है हार्स्ट ईगल का, जो अब तक का देखा गया सबसे बड़ा ईगल हुआ करता था। और कमाल की बात यह है कि ये सिर्फ 600 साल पहले तक ही विलुप्त हुए हैं। आपको बता दें कि ये बहुत बड़े और ख़तरनाक पंछी हुआ करते थे और ये सिर्फ न्यूजीलैंड में पाए जाते थे। दोस्तों, इस विशाल पक्षी का वजन 250 केजी हुआ करता था, पर ये अपने वजन से 20 गुना ज़्यादा वजन उठाने की क्षमता रखते थे। इनका पंजा बहुत बड़ा और इनके पंखों का चौड़ापन 8 से 9 फीट होता था। इनकी विलुप्त होने का राज मोमा नाम का शिकार जिनका वजन 15 से 16 किलो हुआ करता था। जब ये विलुप्त हो गए तब इनके साथ हार्स्ट ईगल भी धीरे धीरे विलुप्त हो गए। टाइटन बोआ। दोस्तों, आपको ये बता दें कि ये वो नाम था जिससे करोड़ों साल पहले धरती पर रहने वाले हर बड़े से बड़े जीव खौफ खाया करते थे। हमारे लिस्ट में 2रे स्थान पर आता है टाइटन बोआ। ये विश्व के सबसे बड़े जानवरों में से एक था। आपको बता दें कि टाइटन किसी भी प्रजाति के उस जीव पर लगाया जाता है जो आकार में सबसे विशाल हो। दोस्तों, टाइटन बोआ इतना खतरनाक था कि ये सांप डायनासोर जैसे जीव को आराम से निगल लेता था। इसकी लंबाई 40 से 50 फीट तक हुआ करती थी और वजन में ये 2 टन का हुआ करता था। ये सांप कोलंबिया में 6 करोड़ साल पहले पाए जाते थे। आप इनकी विशालता इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज के जो एनाकोंडा दिखाई देते हैं
उनसे भी ये बहुत बड़ा हुआ करता था। जिस मगरमच्छ से आज हम इतना डरते हैं, ये उसे आसानी से निगल लेता था। सार्कोचस। दोस्तों, हमारे डेडलीस्ट विलुप्त जानवरों की लिस्ट में पहले स्थान पर नाम आता है सार्कोचस का, जो लगभग 10 करोड़ साल पहले सेंट्रल अफ्रीका में पाए जाते थे। ये जानवर कुछ इस प्रकार दिखाई देते थे। इनका ऊपरी भाग यानी सिर मगरमच्छ का था और नीचे का हिस्सा डायनासोर जैसा दिखाई देता था। 20 फुट लंबे ये जानवर इतने खतरनाक हुआ करते थे कि मानो इनका धरती पर जन्म सिर्फ बड़े बड़े जानवरों को मार गिराने के लिए ही हुआ था। दोस्तों, आप इनका बायोटिक फोर्स का अंदाज़ा इसी बात से लगा सकते हैं कि मान लीजिए कि गलती से भी आप इसके सामने आ जाएं, तो पलक झपकते ही ये आपको निगल लेगा और आप पेट में जा सोचते हैं ये क्या और कैसे हुआ। लेकिन एक समय धरती पर आग के गोले गोले यानी एस्ट्रॉइड्स की वर्षा हो रही थी, तब डायनासोर के साथ ये प्रजाति सार्कोचस भी नष्ट हो गई। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी टॉप 5 एक्सटिंक्ट डेडलीस्ट एनिमल्स के लिस्ट, जो आज के समय में तो धरती पर मौजूद नहीं है, लेकिन उनकी चर्चा हमेशा होती है और शायद होती भी रहेगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।